मिल्ल टाइम्स किसी स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शमसुद्दीन कासमी। नाजरीन, इन दिनों आसाम का मसला जेर बहस है। आसाम के कई लाख लोगों पर शहरियत की तलवार लटक रही है। तकरीबन 48 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी शहरियत खतरे में है और 1 लाख से जायद बल्कि 5 लाख ऐसे हो चुके हैं जिनको डी वोटर यानी डाउटफुल करार दे दिया गया है, उनकी शहरियत मशकूक है। और ये मसला पूरे आसाम का है। आसाम की मारूफ सियासी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट उसका मुकदमा लड़ रही है। फॉरनर ट्रिब्यूनल के बाद ये मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अलहदा बेंच कायम की है और 22 नवंबर से उस पर समाप्त भी शुरू होने जा रही है। हमारे साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मौजूद हैं, पार्टी के पोजीशन लीडर और एमएलए हाफिज बशीर अहमद कासमी मौजूद हैं, उसके अलावा हाफिज अमीनुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, आप एयूडीएफ के एडवोकेट हैं और सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा एडवोकेट जो मुकदमा को लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में, इन्होंने पहल की थी, मुकदमा को पेश किया था जनाब अबुल कासिम तालुकदार साहब। और एक और एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है जनाब मजहर मियां साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा की पैरवी करेंगे। मजहर मियां, हम इन हजरात से जानने की कोशिश करेंगे कि मामले की नौयत क्या है और क्यों आसाम के लाखों लोगों पर शहरियत की तलवार लटक रही है। कब से मामला शुरू हुआ, क्या वाकई गैर मुल्की है, वो बांग्लादेशी है या फिर वो हिंदुस्तानी है, एक साजिश के तहत उनको मुल्क से बदर करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना, आपका मिल्ल टाइम्स के इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले आप बताएं ये मामला कब से शुरू हुआ और क्यों जो हिंदुस्तानी थे आसामी थे उनको गैर मुल्की कहा जा रहा है। देखिए, ये मसला बहुत पहले शुरू हुआ जब ये आसाम का इलेक्शन शुरू हुआ 1985 में, और उससे पहले ही मसला चल रहा था लेकिन इतने जोरों शोर से नहीं था जितना आजकल हालात है। उस वक्त आंसू बाकायदा जो आंदोलन करते आई है यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, उन लोगों ने इस मसले को पूरी हवा दी और पूरा आंदोलन किया और उस आंदोलन के नतीजे में 2 इलेक्शन हुए और दोनों इलेक्शन में एजी भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी और वो एजीपी जो है पावर में आई इन दोनों इलेक्शनों के नतीजे में, क्योंकि मुसलमानों को वोट देने का हक दिया ही नहीं गया और कहीं कहीं 300, 350, 250 ऐसे मतलब वोटों से उस वक्त एजीपी गवर्नमेंट बनी। तो उसके बाद से ये मामला पूरा शिद्दत से शुरू हो गया और आहिस्ते आहिस्ते आज यहाँ तक पहुंचा कि लाखों लोग 48 लाख औरतों को इन लोगों ने जो है एक कलम से जैसे मतलब विदेशी कर दिया, बांग्लादेशी कर दिया। और डी वोटर जो पहले 1 लाख था, 1.25 लाख था कांग्रेस के जमाने में, एजीपी के जमाने में, जब बीजेपी कांग्रेस का जमाना आया जब वो खत्म हुआ 15 साल पूरा करने के बाद तो 5 लाख तक पहुंच गया। मगर ये जो इलेक्शन कमीशन ने आसाम की हुकूमत से कहा था कि जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो मशकूक है, उनका खारिज किया जाए, तो फिर हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट इसमें कब से हुआ? देखिए, ये चूंकि पहले से ही हुकूमत ये चला रही थी और खासकर ये हुकूमत अब जो बीजेपी आई है इसमें वही लोग हैं जो पहले आंसू आंदोलनकारी थे। अच्छा, एडवोकेट अबुल कासिम साहब, आप बताइए कि पूरा मामला क्या है और क्यों जो आसामी थे उनको गैर मुल्की कहा जा रहा है। एक्चुअली हमारा असम में जो मुस्लिम आदमी है इन लोगों उन लोग में दो हिस्सा है। कोई लोग डेस्क पार्टीशन होने का पहले, इंडिया पाकिस्तान बनने के पहले, इंडिया बांग्लादेश बनने का पहले जब ब्रिटिश पीरियड थे, तो ब्रिटिश पीरियड में कुछ लोग अभी बांग्लादेश का बहुत हिस्से से और इंडिया के और बहुत हिस्से से कुछ आदमी को टी गार्डन में काम करने के लिए, खेती में काम करने के लिए ब्रिटिश ने बुलाया था, काम करवाने के लिए ब्रिटिश ने बुलाया था, वहां पे सेटल करके दिया था, माटी दिया था। जैसे अभी तक टी गार्डन में बिहार का, उड़ीसा का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का आदमी अभी तक वहां पे है जो टी ट्राइब्स बोलता है अभी। लेकिन उस एक ही टाइम में, सेम टाइम में जब और कोई मुस्लिम हिंदू बंगाली बाहर से आया था, ब्रिटिश ने लाया था इन लोगों को, अभी फॉरेनर बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें भी और एक हिस्सा है साउथ असम जैसे, और लोअर असम में कोई डिस्ट्रिक्ट पहले बड़पड़ा ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट थे, अभी जो 5.5 डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां का आदमी पहले से ही मुस्लिम वहां पे थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारा फोर फादर्स कम से कम 850 AD में हम लोग हिंदू से कन्वर्ट हुए थे, हमारा फोर फादर्स मुस्लिम हुए थे।
मतलब जब अरब से 820 ख्रिस्टाब्द जब 360 औलिया वहां से स्टार्ट किया था, तो वहां से हिंदू आदमी का कन्वर्ट किया था हमारा सिलेट आसाम, आसाम का पार्ट ग्वालपाड़ा ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग पहले से ही हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्ट होने का आज इतना साल हो गया। मान लीजिए आपके 840 से 850 के अंदर हम लोग कन्वर्ट हुआ, उनका पहले हम लोग वहां थे, लेकिन हम लोग उनका भी आज डी वोटर बना रहा है, डाउट फॉर सिटीजन बना रहा है, और जिसने बना रहा है उन लोग आया है असम में 1100 का एडी का बाद आया है, म्यांमार से आया है। लेकिन दुख की बात है कि और टाइम के हिसाब से बोला तो हम लोग सबसे पहले का है, लेकिन हम लोग का बनाया जा रहा है, फिर भी हम लोग को डी वोटर जाना है। मैं आज हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, पता नहीं कल मेरा नाम में आगे डी लगा देगा, और डी लगाने का बहुत मतलब बहाना निकल रहा है हम लोग। आज जो 48 क्लास का जो बात आया है उसका क्या हुआ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का भी केस चल रहा है उसके बाद क्या हुआ, जो एनआरसी बनाने के लिए ऑर्डर हुआ है, एनआरसी का काम शुरू हुआ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एनआरसी का काम क्यों शुरू हुआ मतलब क्या हुआ, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने के लिए आज असम में ओरिजिनल कितना सिटीजन है ये रजिस्टर बनाने के लिए, तो शुरू होने के बाद क्या हो रहा है, तो जो वोमेन है जो लेडीज है उन लोगों का क्या हुआ, मान लीजिए उन लोगों का शादी हुआ आज से 50 साल पहले 60 साल पहले, तो इन लोगों का क्या, तब तो जब शादी होने के पहले कोई फादर का नाम होके कोई तो शादी के पहले कोई बुटल्स में नाम नहीं आया, उसका शादी हो गया, स्कूल नहीं गया, कोई बर्थ सर्टिफिकेट का सिस्टम तब हाई नहीं था, वो कंपल्सरी नहीं थे, मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं थे, आसाम में मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ 2010 में रजिस्ट्रेशन हुआ कंपलसरी एक्ट आईन पास हुआ, उसके पहले तो कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, शादी सिर्फ सर्नाइजेशन थे बात बनने से हो जाता है। तो इसलिए मान लीजिए कोई लेडीज शादी हुआ, शादी होने का बाद उसका हस्बैंड का नाम भी वोटर लिस्ट पे नाम आया है, वाइफ ऑफ सो एंड सो, लेकिन अभी पूछ रहा है एनआरसी वोटर ने कि आप दिखाइए आप शादी का होने का पहले आप किसका लड़की थे, तो जब मैं किसी का लड़की थे शादी के पहले तो मेरा पास ना थे बर्थ सर्टिफिकेट, ना थे मेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ना मैं स्कूल गया हूं, तो कुछ नहीं है, तो मैं कैसे दिखाएंगे मैं उसका डॉटर थे लड़की थे। तो बाद में क्या हुआ, इसके ये निपटाने के लिए एक कमिटी बना, कैबिनेट सब कमिटी बना आसाम में, और आशु जैसे स्टूडेंट यूनियन और जितना स्टेक होल्डर्स है सबको लेकर एक साथ बैठ के 16 डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट बनाया और उसको पास किया, ये 16 डॉक्यूमेंट जिसका पास होगा वो उसका एनआरसी में नाम आ जाएगा। इसमें 13 नंबर के पंचायत सर्टिफिकेट, तो पंचायत सर्टिफिकेट क्या बोलता है, वो क्या होता है पंचायत सर्टिफिकेट देता है वेरीफाई करने का बाद कि ये वो उसका लड़की थे एक्स वाई के लड़की थे और शादी हुआ जेड का साथ फलाना के साथ शादी हुआ है, तो वो लिंकेज का दिखाया, वो फिर रेवेन्यू ऑफिसर से कंट्रासाइन करवाया। लेकिन वो अभी क्या हुआ, एक आदमी डिपोटर हो गया था, वो उसका केस हो गया था हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट का वो केस का साथ कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट पंचायत का सबमिट किया था, वो देख के कोर्ट ने सुमोटो सारे आसाम का सर्टिफिकेट खारिज कर दिया कि नहीं वो पंचायत सर्टिफिकेट के कोई यूज नहीं होगा, कोई मान्यता नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हुआ, 48 क्लास में प्रॉब्लम में गिर गया, अभी कहां जाएगा उन लोग के, ना उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, ना उसके पास मेरिज सर्टिफिकेट है, ना उसके पास उसका शादी होने के पहले पिताजी का नाम से उसके पास वोटर लिस्ट में नाम है। अमीरुल हक साहब, आप पार्टी के सेक्रेटरी हैं और एडवोकेट भी हैं, आपको क्या लगता है कि आसाम में जो लोगों की शहरियत खारिज की जा रही है तो पॉलिटिकल इशू है या कौमी सलामती से ये मामला ताल्लुक रखता है? देखिए, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम पॉलिटिकली नहीं है, ये सिस्टम आसाम का साथ एक क्रिएटेड प्रॉब्लम है, वो 1979 से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले ऐसा कोई इश्यूज नहीं था हम लोग का स्टेट में। 1979 में पहला बार ये बात आया कि बांग्लादेशी है, फॉरेनर्स है, बहुत फॉरेनर्स का नाम आ गया, उसको आहिस्ता तब 1997 में डी वोटर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट में नहीं है, फॉरेनर्स एक्ट में नहीं है, इंडिया का कोई स्टेट में नहीं है, ऐसा एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से हुआ है कि डाउटफुल वोटर। अभी वो डाउटफुल वोटर 1997 से आप तक इतना बार के इतना बढ़ा दिया कि अभी कोई डाउट करता है। पहले ऐसा एक्ट था आईएमडीटी एक्ट 1983 में जो एक्ट बना था, उस एक्ट के तहत जजमेंट हो रहा था, तो आज का जो चीफ मिनिस्टर है सर्वानंद सोनोवाल, उसका एक पीआईएल था सुप्रीम कोर्ट में, उससे वो आईएमडीटी एक्ट को रिपील हो गया। तो आईएमडीटी एक्ट रिपील होने के बाद अभी एक सिस्टम आ गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है
एक केस को कोई किसी को बांग्लादेश को बोल के शक करे, फॉरनर बोल के शक करे, तो वो फॉरनर खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इंडियन हूं। वो आईडेंटिटी जब था तब वो बर्डनर प्रूफ वो जो एक जो सस्पेक्ट करेगा उसके ऊपर लाइज था। तो अभी वो एक कानूनी चेंज आ गया, उसके बाद ज्यादातर बना दिया। तो लास्ट कांग्रेस 15 साल वहां में हुकूमत में थे, हुकूमत में थे, तो उस टाइम में देखा गया कि डी वोटर बहुत बढ़ गया। तभी डी वोटर तो एक इशू है वहां में जो अभी तक खत्म नहीं होना होने वाला है, तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो अभी देखा जा रहा है कि हर इलेक्शन में आदमी को डी वोटर बढ़ाते जा रहा है। तो इस सब देख के हम लोग ऐसा एक सिचुएशन में आ गया। और जो एनआरसी का मामला जो अभी बोल रहा था, एनआरसी एक ऐसा सिस्टम है जी, प्रिपरेशन या अपडेशन जो करना है 1951 का, वो ये आसाम का प्रॉब्लम है। कैसा हो गया कि 1979 से 1985 तक आसाम एक मूवमेंट हुआ था, वो 5 साल 6 साल का एक मूवमेंट हुआ था। उस मूवमेंट में आसाम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एजिटेटर्स था बांग्लादेश हटाने का, फॉरनर्स हटाने का एजिटेशन था, तीनों मिलकर एक त्रिपार्टी डिस्कशन हुआ और एक एग्रीमेंट हुआ। वो आसाम एकॉर्ड बोलता है उसका, आसाम एकॉर्ड बोलता है वो आसाम एकॉर्ड, आसाम मूवमेंट के बाद आसाम एकॉर्ड जो हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड एजिटेटर्स, इसका बीच में तय हुआ कि 1971 कट ऑफ ईयर फॉर द फॉरनर्स इन आसाम। तो रेस्ट ऑफ इंडिया हो गया कि 1951, आसाम के लिए 1971। तो सिटीजनशिप एक्ट को अमेंडमेंट किया और सेक्शन 6A को इंसर्ट किया कि सेक्शन 6A में ऐसा बात आ गया कि सारा इंडिया के लिए 1951 है और सेक्शन 6A में आ गया कि आसाम के 1971 है। तो उसका माफिक चल रहा है और उसका ऑन द बेस ऑफ दैट तो एनआरसी प्रिपरेशन हो रहा है। तो एनआरसी प्रिपरेशन में हम देख रहे हैं कि जबरदस्ती के आदमी कुछ क्रिएटिव प्रॉब्लम करके अभी बोल रहा है कि 48 लाख को जो यहाँ का और जो अभी डिक्लेयर किया एनआरसी ने, मतलब किस बेस पर वो शामिल कर रहे हैं? 1951 में जो लोग थे उसको बेस बुनियाद पर, या 1971 को एक्ट को बुनियाद बना रहे हैं? नहीं, एनआरसी तो गवर्नमेंट जो है 1971 का ऊपर में होना चाहिए, सिटीजनशिप एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ उसके ऊपर होना चाहिए 1971 का। लेकिन बीच में ऐसा कुछ बात आ रहा है, कुछ केस पहले से सुप्रीम कोर्ट पर पेंडिंग है कि 274, 562 अभी वो क्लाब करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट में, वो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कि ये 1951 होगा या 1971 होगा कट ऑफ द ईयर, इसको लीगलिटी के ऊपर में एक अल्जाबायस बोल के एक केस भी किया कि इक्वलिटी पेपर आर्टिकल 14 वायलेशन हो गया उनके, कुछ केस किया है। वो केस अभी भी पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना हुआ है, कब बैठेंगे उसके बाद तय होंगे। लेकिन एनआरसी जो प्रिपरेशन वो 1971 के बेस ऊपर में हो रहा है। लेकिन इसके बीच में कोई ओरिजिनली इनहेबिटेंट, कोई ओरिजिनली इनहेबिटेंट, बहुत सारे क्वेश्चन लाके पंचायत लिंग सर्टिफिकेट के बारे में जो अभी अभी आपसे बोला है, पंचायत लिंग सर्टिफिकेट को लेके भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि पंचायत लिंग सर्टिफिकेट, वो लिंग सर्टिफिकेट इज जस्ट टू शो द लिंकेज, वो फॉरनर्स है या इंडियन है ऐसा कोई बात नहीं है वहां, जस्ट टू शो द लिंकेज, पेरेंटल एंड वाइफ जो है बेटी और बाप का लिंकेज प्रूव किया। तो अभी वो बोल रहा है कि वो नहीं चलेगा, तो बीच में कई बोला कि रेशन कार्ड नहीं चलेगा, ऐसा कुछ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, आदमी पैनिक में है क्या होगा। लेकिन इसको लेके और पंचायत को लेके और ओरिजिनल इनहेबिटेंट को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, कल 22 तारीख को इसको सुनाई होगी। एडवोकेट नजरुल हक साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा की पैरवी करेंगे, आपको क्या लगता है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जिस बुनियाद पर आपका मुकदमा खारिज कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में मजीद किन सबूतों को बुनियाद बनाकर मुकदमा लड़ेंगे? वाहिर बात है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो खारिज किया है कि एक ही व्यक्ति का सर्टिफिकेट का आधार पर पूरा पंचायत सर्टिफिकेट को खारिज किया, ये वही कानूनी है, क्योंकि लाखों लोगों को नहीं सुनने से विदाउट हियरिंग देम एक आदमी का बात ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन आया यह गलती है। इसके लिए हमारा पूरा उम्मीद है ये पंचायत सर्टिफिकेट का मामला जो है, जो वहां सब पार्टी मिलके जो तय किया, गवर्नमेंट में ने भी तय किया, सबने मान लिया, वो पूरा हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सर्टिफिकेट को बहाल रखेंगे। अच्छा हाफिज बशीर साहब, ये बताइए आप कि ये आवाम का मसला है, जो आसाम के शहरी थे 97 उनको गैर मुल्की करार दिया गया, तो एज अ पोलिटिकल यानी सियासी पार्टी के तौर पर आप अकेले इन लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं या और भी सियासी पार्टी इसमें शरीक है जो उनके हक में काम कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये मसला जो था पॉलिटिकल था,
उसके बाद फिर गवर्नमेंट के उसमें कस्टडी में था, अब भी ये मसला सुप्रीम कोर्ट अदालत के फ्लोर में आ गया है। अभी इसको अदालत जो फैसला करेगी वही होगा, इसलिए हम भी हमारे पार्टी AODF और उसके जमीयत उलमा के सदर भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है, ये दोनों जमीयत उलमा की तरफ से और इंडिविजुअल वो कानूनी जो उसका जो स्ट्रेटेजी है उसके बुनियाद पर हम अभी 5 केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा। सर मौलाना अजमल साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि 97 में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सब डाउटफुल है, D-Voter उनका नाम आया, उस वक्त आसाम गण परिषद की आसाम में हुकूमत थी, फिर कांग्रेस की हुकूमत आई, बीजेपी की सरकार अभी 2016 में वहां आई है। ये कहा जा रहा है हिंदुस्तान भर में, खासतौर से जो मुस्लिम रहनुमा है, कि बीजेपी आसाम के जो शहरी हैं उनको गैर मुल्की करार दे रही है या आसाम को म्यांमार बनाने की कोशिश हो रही है, तो आप उसको इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को या वहां के इलाकाई पार्टी? इसकी पूरी जिम्मेदारी 100% कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर जाती है, क्योंकि AGP ने जब शुरू किया था, जब AGP की मिनिस्ट्री गई तो D-Voter तकरीबन 1 लाख के करीब थे और कांग्रेस गवर्नमेंट 15 साल रही, हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 15 मरतबा हम चीफ मिनिस्टर से मिले कि भाई ये मसला आप तो अपनी जिंदगी में खत्म कर सकते हैं, 5 साल में ये मसला खत्म हो सकता है। उसके बाद NRC का मसला आया, उस मामले में भी हम लोग मिले, NRC के मसले को भी एकदम पका गए, खाने के लायक बना गए, तर्जुम गोगोई साहब ने, क्योंकि जब भी हम जाते तो वो आसामी जुबान में एक बात कहते हैं, हम यहाँ सुनो है, मतलब हम है ना, हम जब तक है आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जमीनों का पट्टे का मसला जो इन लोगों का भी लाखों लोगों को दुखला कर दिया, बेघर कर दिया, ये सब मसले भी, और 10 साल तो बीच में AGP वाले हैं, उससे पहले भी 40-50 साल से कांग्रेस की हुकूमत रही, कभी भी कांग्रेस ने इसको सीरियसली नहीं लिया ना इसको खत्म किया। अब ये जब आए तो इनको अजीत भला बनाया मिला, बीजेपी का अपना उसूल है, उनकी पॉलिसी है कि मुसलमानों को सताना है, बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालना है, बांग्लादेशी बनाए गए उनके जमाने में जाते ज्यादा कांग्रेस के जमाने, मतलब पूरे मामले के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उन्होंने जो आसामी थे उनको बांग्लादेशी बना दिया। फिर ये बताइए कि आसाम में जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसमें मुस्लिम वोट अच्छा खासा रहा है, मुसलमानों ने इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया है, तो आखिर क्यों? देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमको पूरा यकीन है कि वो अंदरूनी तौर पर बीजेपी RSS के लोग हैं, जैसे पूरे ऑल इंडिया में आप देखेंगे बहुत सी जगह बड़े बड़े लीडर हो गए तो RSS से आए, शिवसेना से आए, और इसी तरीके से आसाम से, आसाम के अंदर भी बहुत से लोग जो बीजेपी RSS के पहले से थे वो इसके अंदर हमें दाखिल हो गए, और उन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को, और चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि 25-30 साल पहले मुझे एक रिसाला मिला था कहीं, तो उसके अंदर बाकायदा तरुण गोगोई साहब को हाफ चड्डी पहनकर RSS का डील करते हुए दिखाया, इसका मतलब वो खुद भी जहनी अखबार से कांग्रेस में है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन वो खुद भी RSS के माइंडेड आदमी, तो इसलिए ये पूरे मामले को, मुसलमान जाने का रास्ता मुसलमानों के पास दो ही था, पहले तो था ही नहीं, आज 50-60 साल से सारे मसाइल मुसलमानों के, कोई मसला इन लोगों ने हल नहीं किया, एजुकेशन से लेके, ड्रिंकिंग वाटर से लेके, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, आज जिस हाल में मुसलमान वहां रहे हैं, 4,000-5,000 के झोपड़े के घर के अंदर लोग अपने बच्चों को लेकर रहे हैं, वो जैसे जानवर भी नहीं रहता, इतने बुरे हाल में रह रहे हैं, और लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं। तो तरुण गोगोई साहब ने इस बीच में कई मरतबा बयान पब्लिक में जाकर दिया कि मैं साफ कह रहा हूं कि एक भी बांग्लादेशी वहां नहीं है, बांग्लादेशी आसाम में एक भी नहीं है, लेकिन ये सब कैसे आ गया? तो इसको जो है, चूंकि उनके पास कोई दलील नहीं था, उनको हुकूमत करनी थी, जैसे ही बीजेपी वाले आए उनको फाइल्स मिले, उस फाइल्स के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, और ये सारा फल बना बनाया सब कुछ जो है इसका पूरा क्रेडिट वो कांग्रेस गवर्नमेंट को जाता है। तो मौलाना अजमल साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरा काम किया, सब कुछ किया और बना बनाया मिला बीजेपी को, जिसका क्रेडिट ले रही है, जैसा कि दीगर मामलों में भी कहा जाता है। अमीरुल हक साहब, सॉरी अमीरुल इस्लाम साहब, ये बताइए कि जो D-Voter है या जिनकी शहरियत पर तलवार लटक रही है, तो ये सिर्फ मुस्लिम है या गैर मुस्लिम इसमें शामिल, आखिर ये किस बुनियाद पर मसला क्रिएट किया, इलाके की बुनियाद पर
या फॉरनर होने की बुनियाद पर, नाम या निश्चय की बुनियाद पर, या मजहब की बुनियाद पर, क्या है प्रॉब्लम? जो असम में जो ट्रेंड है, तो ये पहले एक ट्रेंड था कि बहिरागत तो कहा था, जो बाहर से आया है उसमें मारवाड़ी भी था, बिहारी भी था, बंगाली भी था, मुस्लिम भी था, चीतराइस भी था। तो आहिस्ते आहिस्ते दिन जाना शुरू हो गया, तो वो आहिस्ते आहिस्ते डायलॉग चेंज होते जा रहा है। तो पहला था जो फॉरनर जो बाहर का है उसको हटाना है, उसके बाद में आ गया कि जो फॉरनर्स है उनको हटाना है। तो फॉरनर्स के बाद में जाके फॉरनर्स भी नेपाल है और दूसरा दूसरा कंट्री भी है हमारा सराउंडिंग, वो सब छोड़ दिया। अभी सिर्फ बांग्लादेशी था कुछ दिन पहले, अभी बांग्लादेशी को भी डिवाइड कर दिया, अभी हिंदू को स्केप करके ओनली मुस्लिम को टारगेट कर रहा है। तो ये जो मामला है, जो इश्यूज है, ये इश्यूज पहले था फॉरनर्स का, जो आसाम का बाहर से जो आया उसको भगाना चाहिए। तो आहिस्ता 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 ये सिर्फ अभी टारगेट मुस्लिम है, अभी सिर्फ मुस्लिम भगाने का बात चल रहा है। डी-वोटर में ऑन पेपर्स में तो बंगाली का नाम भी है और कुछ राय राजवंशी का नाम भी है, मुस्लिम का नाम भी है, गारो का नाम भी है, लेकिन बेसिकली आप टारगेट है मुस्लिम को। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, लागू होने जा रहा है, तो इसका बात तो सिर्फ टारगेट वो तलवार सिर्फ मुस्लिम के ऊपर ही रहेगा। एडवोकेट नजरुल हक साहब बताएंगे कि इसके निशाने पर सिर्फ मुसलमान आएंगे या हिंदू भी आएंगे, मतलब जो उनके जो सिटीजनशिप है, अगर कोई हिंदू आए 1971 के बाद या पहले से है उनका नाम नहीं है, तो क्या उसको शामिल करेगी हुकूमत, मुसलमान को खारिज करेगी या सब उसके दायरे में आएंगे? बात ऐसा है, जो हिंदुओं के बारे में जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब से कंट्री से जो हिंदू लोग यहाँ आए हैं, उन लोगों को अभी तक प्रोटेक्शन दिया गया है। फॉरेनर्स एक्ट में एक अमेंडमेंट हो गया, अभी तक वहाँ लिखा हुआ है कि कोई आदमी उस कंट्री से, उन कंट्री से आया तो उन लोगों को फॉरेनर माना नहीं जाएगी। अभी बाकी है उन लोगों को सिटीजनशिप देना है या नहीं, ये बिल पार्लियामेंट में अभी चालू है। अल्टीमेटली मुस्लिम स्टेट टारगेट होगा, सिर्फ मुसलमान टारगेट होंगे ऐसा चला। ऐसे मौलाना अजमल साहब, अभी चूंकि जो डी वोटर है, जो आसाम में शरीयत का मसला है, तो आप भी उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, और जो दूसरी जमीयत कमर अरशद मदनी की क्यादत में वो भी जमीयत मुकदमा लड़ रही है। अभी आसाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था जिस पर हंगामा बढ़ा हुआ गया, उनके बयान को इश्तालंगेज करार दिया गया, तो आपने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, रद्द अमल जाहिर किया, ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि आपने उससे इत्तफाक नहीं किया? देखिए, इस वक्त जो आसाम की हालत है वो बिल्कुल जैसे आग की एक भट्टी जो लावा होता है, जैसे ऐसे हालत के ऊपर मुसलमान अपनी जगह पे परेशान है, तो नॉन मुस्लिम भाई लोग अपनी जगह पे परेशान है। तो ऐसे वक्त में और 22 तारीख कल एक हफ्ता पहले हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया जी 13 नवंबर को और 22 भी होना है, 22 को समाप्त हो रही है 10 दिन के अंदर, और कई चीजों को इन लोगों ने अंदर करके और 2 घंटे का टाइम पूरा लिया, इसका मतलब कल पूरी बहस होगी इसके बाद। तो ऐसे वक्त में मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया, वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बड़ों की औलाद है माशाल्लाह, और शेखुल हदीस है। तो ऐसे वक्त में हजरत मौलाना ने जो बयान दिया, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था असम गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, हजरत का इंतहाई शर्म और दर्द के साथ कहना पड़ता है, हजरत के जैसे बुजुर्ग चेहरे के ऊपर लोग जूते मार रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बना कि भाई आप इसके ऊपर बयान दीजिए। तो हमने उस वक्त यही कहा कि भाई देखो, हजरत हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की औलाद है, पूरी दुनिया में इनके लाखों मुजीदीन है, ऐसा नहीं है जो भी उन्होंने कहा उसके क्या मतलब निकाला गया, इसको देखना पड़ेगा, इसके ट्रीप में जाना पड़ेगा। लेकिन जो बात उन्होंने इस मामले में कही कि मरेंगे, मराएंगे, काटेंगे, जलेंगे, जलाएंगे, इस मामले को कम से कम सफाई नहीं कर सकते। आसाम का माहौल ऐसा नहीं है, मतलब आसाम का माहौल बहुत खराब हो गया था और आप पर दबाव बना था, इसलिए आपने बयान जारी किया। अच्छा, वो कैसे भी बताइए कि उनके इस बयान से आपके मुकदमे पर भी कोई असर पड़ सकता था, इस तरह का उनका बयान है कि मरेंगे, मारेंगे, आसाम में मार होने जा रहा है। देखिए, अभी तो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऊपर कम से कम ऐसा कोई बयान से कोई असर नहीं होगा मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट वो अपना फैसला, अपना जो जस्टिस वो देगा, हम लोग को अपना भरोसा है कि वहां पे जस्टिस मिलेगा। नाजरीन, ये आसाम के मसला पर हम बहस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और हमारे साथ जो लोग इस मसले को सुलझा रहे हैं, अदलिया में मुकदमा लड़ रहे हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो इसमें सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और फाल हैं, वहां बदरुद्दीन अजमल साहब, आप लोकसभा के MP हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर हैं, जो 2011 से
2016 तक इनकी पार्टी असेंबली में अपोजिशन के हैसियत से थी, और इसके अलावा सारे ये एडवोकेट हजरात हैं, पार्टी के जिम्मेदार हैं, इन लोगों का कहना है कि आसाम के मसले को उलझाया जा रहा है और खासतौर पर मुसलमान होने की बुनियाद पर, और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, और पहले ऐसा सिर्फ आसाम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सूरत हाल थी, और अब जब उन सब का इंदिराज किया जा रहा है एनआरसी में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, तो जो सबूत मांगे जा रहे हैं उसमें सिर्फ मांगा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट, उन लोगों के पास है नहीं, और उसकी बुनियाद पर उनको डाउटफुल करार दे दिया गया है, मशकूक करार दे दिया गया है, और सबसे ज्यादा इसमें खवातीन के सर पर शरीयत की तलवार लटक रही है। मौलाना कुछ और कहना चाहेंगे इस मामले में? अच्छा, ये बताइए कि डी वोटर जो इतने ज्यादा कैसे हो रहे हैं? डी वोटर्स, देखिए डी वोटर्स तो कोई ऐसा है नहीं, कोई डाउट कोई इंस्टीट्यूशन करे तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉर्डर पुलिस है, बॉर्डर पुलिस को जिम्मेदारी दिया गया कि डी वोटर को बढ़ाना है, तो ये नॉन ऑफिशियली हम लोग देख रहे हैं कि डी वोटर दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इसका कॉज यही है कि वो डाउट करता है नाम का गलती, कोई स्पेलिंग का रॉन्ग, कोई एज का रॉन्ग, कोई नाम का टाइटल, कोई शादी से पहले वो बेगम खातून था, उसके बाद में बेगम आया, उसके बाद बेवा आया, और नाम का नेम का स्पेलिंग, ये सब जो स्पेलिंग के मामले में हम लोग तो वहां नहीं लिखते कि हम तो अपना नाम नहीं लिखते हैं, कोई ऑफिसर आके इन्यूमरेशन करते वो लोग लिखता है, तो वो लोग का गलती से नाम के इन्यूमरेटर का स्पेलिंग गलती होने से मेरा जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जो मेरा है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको डाउट पे आ जाए, मैं इस कंट्री का आदमी हूं या ना हूं, इसको डाउट पे आ जाए, ये बहुत शर्मनाक बात है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब नाम की स्पेलिंग गलत हो जाने की वजह से, कई तरह नाम लिखे जाने की वजह से डी वोटर करार देगा। अच्छा, एक सवाल ये ज़हन में आ रहा है कि अभी एक फौजी थे मोहम्मद अजमल नाम के, 30 साल तक उन्होंने फौज में मुलाजमत की थी, और उनके घर पे लेटर आ गया था कि अपनी शरीयत को साबित कीजिए। ये सब सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं है, जो हजारों इंसिडेंट है, जो पहले गवर्नमेंट का इलेक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था, पहले कोई फ्रीडम फाइटर का फैमिली था, उसके बाद कोई फौज में नौकरी किया था, कोई एडीसी था, डीसी था, ऐसा कोई लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था, ये सबको आ रहा है। दैट मींस ये सब नाम जो बिठा रहा है तो ये लोग तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं बिठा रहा है, वो घर बैठ के एक पत्ता निकाल के उसको चार पांच को बिठा के जाता है। इसमें देखा जाता है कि बहुत सारी नौकरी कर रहा है, कोई फौजी है, कोई एयरफोर्स में थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे, बहुत सारे है, फ्रीडम फाइटर का बच्चे भी थे, नाती भी थे, वो लोग को भी पढ़ रहा है, उन लोगों को भी पढ़ा नहीं, जो जिम्मेदार थे, जॉब में थे, हुकूमत के अफराद थे, वो सब भी इसके शिकार हुए हैं। ये जो डिप्यूटर जो ज्यादा हो रहा है आप बोल रहे हैं, हाँ ज्यादा, पहले तो 1 लाख थे 97 में, अब कम से कम 5 लाख से भी ऊपर बहुत ऊपर चला गया, और हम लोग को जितना तक मालूम है आने वाले दिन में बहुत और कोई लाख ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा हुआ आप बोल रहे हैं, ये कैसा ज्यादा हो गया, एक कैसा हुआ मतलब 1965 में, 1970 में, 1955 में, 61 में जब वोटर लिस्ट बनाया गया था, जब एनुमरेटर कोई टीचर या कोई ऑफिसर गांव में गए थे नाम उठाने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के पहले जो गांव में घर भर के जाते हैं, तो उसमें क्या करता है, उसको जाके एक विलेज हेडमैन जो होता है उसका घर में बैठता है, बैठ के उसको पूछ के सारा गाँव का नाम लिख के देता है, और वो विलेज हेडमैन क्या करता है, कोई आदमी जैसे जमीउद्दीन लेकिन उसका निकने में जमीन, वो विलेज हेडमैन जमीन लिख के लिख गया, तो आज वो ऐसे ही रह गया 65 में, 60 में, 61 में, 75 में, 70 में, ऐसा वोटर लिस्ट में ऐसे ही रह गया। बाद में क्या हुआ, जब और कभी कभी ये हुआ एज लिखने में एक गलती हुआ, मान लीजिए कोई वोमेन का एज तब लिखा हुआ 35, लेकिन बाद नेक्स्ट साल में जब एनुमरेशन हुआ और वोटर लिस्ट निकला तो देखा है उसका बच्चे का एज हो गया 15 साल हो गया, तो ऐसा लगता है कि 10 साल का बाद उसका बच्चा हो गया, वो बच्चा मिल गया, उसका माँ हो गया 10 साल के बाद, एक्चुअली क्या है उसका कोई गलती नहीं है, वो अनपढ़ है, स्कूल में नहीं गया है, वो गांव हेडमैन बैठ के वहां पे लिखा के दे दिया, और ऐसा गलती रह गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था इतना दिन, वो ऐसे गलती हो गई रह गया, किसी ने करेक्शन नहीं किया, लेकिन फिर मैं जो आप स्कूल में गया है मेरा नाम करेक्शन हो गया, मेरा नाम लेकिन पिताजी का नाम है मोहम्मद अली, लेकिन वहां पे सिटी में लिखा है महमूद, तो अभी उसको पकड़ के ये से जो इलेक्टोरल रोल जो अभी जो बना रहा है इलेक्टोरल ऑफिसर, वो जो लिस्ट ड्राफ्ट बनाता है, बनाने के बाद जब देखता है मैं नाम लिखा है मेरा पिताजी का नाम मोहम्मद अली, लेकिन वो देखा है 65 में लिखा है वो महमूद,
वो पकड़ के वो मेरे को डी बना दे रहा है, तो कैसे हो गया? मैं जब कोर्ट में जाता है कोर्ट भी नहीं बनता है, कोई 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 ट्रायंगल भी नहीं बनता है वो, नहीं नहीं वो आपका बात नहीं मिल रहा है, आपका पिताजी का एज और आपका माताजी का एज आपका एज नहीं मिल रहा है। लेकिन गलती मैं नहीं किया, गलती किया था उसका टाइम ऑफिसर्स ने किया, हाँ मेरा ये गलती है, मैं तो अनपढ़ है, मैं सब करेक्शन नहीं किया, जब डाक पब्लिक करेक्शन नहीं किया, काम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं बूट देख पा रहा था, सब कुछ चल रहा था, अभी वो पकड़ रहा है, मैंने निकल के पकड़ रहा है, जहां पे वो डाउट का मतलब वो जो डेफिनेशन पूरा बड़ा कर दिया, जहां पे पूरा गड़बड़ होता है। मान लीजिए हमारा मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर पूरा नाम क्या है भाई, बोलिए आप? नरेंद्र मोदी। नो, आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, हमारा आसाम में होगा तो वो भी डिवाइडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा नाम है दामोदर, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, तो वो जो हेडमैन ने लिखाएगा नाम उसका मतलब नरेंद्र मोदी, और जब उसका सर्टिफिकेट मिलेगा नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, तो फिर कैसे हो गया? तो डाउटफुल हो गया, उसको बांग्लादेश होगा। डाउटफुल होने की सबसे बड़ी वजह थी कि किसी का नाम मतलब दो तीन लफ्ज से बना हुआ है, उसने दो लफ्ज बता दिए, एक लफ्ज बता दिया, तो इस तरह डाउटफुल एंटी वोटर में नाम आया। अरे भाई ये ऐसा भी हो रहा है, हमारा असम में 100 ट्राइब्यूनल बना के दिया हुआ है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, वो डी वोटर जो पुलिस ने बेचता है डाउटफुल बना के, वो जजमेंट देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए जो बेचता है ट्राइब्यूनल में, क्या हो रहा है? उस दिन हाईकोर्ट में हियरिंग हो रहा था, कोई वो ट्राइब्यूनल का जो मजिस्ट्रेट है या ऑफिसर है, वो कम से कम 10-15 का बर्खास्त कर दिया संबंध सरकार ने। बर्खास्त क्यों किया? वो जो इन लोगों ने कोर्ट में केस किया है, तो कोर्ट में गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है क्यों बर्खास्त किया है, तो बर्खास्त में दिखाया है उन लोगों का असेसमेंट रिपोर्ट दिखाया है क्यों बर्खास्त किया है, लिखा है इन लोगों ने कितना माने आदमी को बांग्लादेशी बनाया, डिक्लेयर किया है, जिसने ज्यादा डिक्लेयर किया है बांग्लादेशी उसको नकली बहाल रहा है, और जिसने कम किया है उसको साथी से निकाल दिया गया, नकली से निकाल दिया गया, केस चल रहा है। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो ऐसा ऐसा रिपोर्ट बनाया, असेसमेंट रिपोर्ट बनाया, उसमें ये कॉलम है ही नहीं कि किसने आदमी को इंडियन डिक्लेयर किया है, ये नहीं, कितना आदमी को फॉरेनर बनाया आप डिक्लेयर किया है उसका हिसाब के ऊपर उसको सख्ती से नकली निष्कासित कर लिया जा रहा है, जो केस हाईकोर्ट में अभी चल रहा है, मतलब कम से कम 10-15 ये से ट्राइबल का जांच को निकाल दिया, 19 को निकाल दिया, उन लोग का केस चल रहा है, उन लोग का गलती क्या है कि उन लोग का वो तो ह्यूमन बींग है, आदमी है, तो आदमी है, इसलिए उसको मैंने देखा है ठीक है, आदमी है, ट्राइब्यूनल ने देखा है ना उस रीजन ठीक है, लेकिन डिक्लेयर दिया है, लेकिन कौन बांग्लादेशी बनाया, कौन डी बनाया, इसलिए उसको स्थानांतरित से निकाल दिया गया है। और मेरा एक बात बोलना नहीं चाहिए इतना, ये ऐसा ट्राइब्यूनल के ऑफिसर को ऊपर से ऐसा भी बोला गया, यू शुड नॉट बी ए जुडिशियस जज, यू शुड बी ए पेट्रियोटिक जज, आप मानी मतलब आपका ज्ञान से नहीं करना है, विचार करना चाहिए कि आप भारतीय है इसके हिसाब से, और कितने आदमी को नॉन भारतीय हो वो भारतीय ज्यादा प्रमोशन होगा, ये क्लियरली अनऑफिशियल अनरिटन बारबेल इंस्ट्रक्शन है ऊपर से कि आपको पेट्रियोटिक जज होना चाहिए, आपको जुडिशियस जज नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे थे मैडम? ये बताइए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महबूब साहब, ये जो आसाम में अभी मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान के बाद हंगामा बरपा हुआ और आपकी पार्टी का रद्द अमल आया, तो मौलाना अरशद मदनी की जो जमीयत है आसाम में उनका क्या स्टैंड रहा? उन लोगों ने जो लोग मुखालफत कर रहे थे उनकी मुवाफ़क़त में, मौलाना की मुवाफ़क़त में सबको पढ़ाया, कोई बयान आया उनका? लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा कोई जवाब नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी मौलाना के करीब रही है, आसाम इलेक्शन के दौरान भी मौलाना कांग्रेस के लिए गए थे, उसकी रैली में उन्होंने शिरकत की थी, तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने भी अरशद मदनी साहब के खिलाफ बयान दिया है। किनके खिलाफ? अरशद मदनी साहब के खिलाफ बयान दिया। क्या बयान दिया? यह वो जो अरशद मदनी साहब ने कहा है वो हमारा सपोर्ट नहीं है, हम नहीं जानते हैं वो क्या कहा, वो तो अपनी तरफ से कहा है। अच्छा, ये एडवोकेट सब कुछ और हमारा एक विश्वास है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत ये है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है और उसमें जज है हमारा असम से रंजन गगई साहब है सुप्रीम कोर्ट जज, हम लोग का पूरा विश्वास है क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी जो करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज है हमारा असम से ही है, उसको पूरा प्रॉब्लम का मालूमात है, और हम लोग का पूरा विश्वास है, वी आर फॉर्चुनेट, वी आर लकी दैट वी हैव ए जज रंजन गगई इन द सुप्रीम कोर्ट टेकिंग द केस, वी होप माने वी आर इन वेरी हैविंग मोर होप ऑन हिम that at least because of having him we will get justice। ये बताइए कि जो शहरियत का मसला है, डी वोटर का मसला है, तो आसाम के किसी खास इलाके का ही मसला है या पूरे आसाम के लोग इसमें मुलव्वस हैं?
नहीं पूरा असम में है, लेकिन कुछ कुछ खास इलाके में जितना में मुस्लिम ज्यादा है वहां पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और जहां पे मुस्लिम कम है वहां पे इफेक्ट कम हो रहा है। लेकिन सारे असम में तो मुस्लिम है, लेकिन जहां पे ज्यादा कंसंट्रेटेड मुस्लिम है वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा भी बाहर जा रहा है। चलिए आखिरी सवाल होगा और बजट के खत्म करेंगे। इस मामले में एक बहुत बड़ी बात रहेगी जो ये फॉरनर्स ट्रिब्यूनल बना है, ये वकील लोग हैं, इनको जज नहीं है ना, इन लोगों को एक दिन दो दिन की ट्रेनिंग दे के और भेज दिया गया अभी जितना हो सके बनाओ। नतीजा उसका यह है कि छोटे छोटे अकाउंट है, जो वो बैठा हुआ ऑफिसर है हम उसको जज नहीं कहते क्योंकि वो जज है ही नहीं। उन लोगों के सामने एक गाँव का आदमी है, खेती बेच के बीवी के गहने बेच के वकील को पैसा दे के लेके गया साथ में, पूरी अपनी फाइल लेके गया, मजिस्ट्रेट ने उसको हाथ में लिया और साइड में रख दिया। वकील ने कहा मैं इनकी तरफ से वकील करके आया, उसको डांट दिया, चुपचाप वहां खड़े हो। अब वो गांव वालों से उल्टा पुल्टा सवाल करना शुरू किया, उनका काम है जड़े काप काप के पेशाब निकलने के लाया था, तभी वो इस किस्म के जगह में गए नहीं करते। तो सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को ये जो 100 आदमी का एफटी बनाया था जिसमें 19 को गवर्नमेंट ने इसलिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया कि इन लोगों ने कम से कम कैसे दिए थे, तो किसी तरीके से इंसाफ मिलने की कि भाई हमारे पास सारे कागज है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वकील चिल्ला रहा है कि डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट उसको हटा के रख देता है और उसके बाद लिख देता है कि इनको डिटेंशन कैंप पर भेज दो या इनको किसी खुद बना के भेज। मौलाना आपने इस मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की, अगर किए है तो उनका क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए उनका रिस्पॉन्स यही था कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला है, इसलिए हम लोग इस मामले में बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तल्कीन कीजिए कि इस मामले को घबराए नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो भारतीय लोग है वो भारत में रहे, और अगर कोई विदेश से डिक्लेयर होता है तो उसके लिए एक महीने का टाइम दिया गया तो अपील करें। तो इस किस्म के और भी बहुत से मौके उनको दिए जाएंगे, एकदम से ये नहीं होगा कि फैसला आया और नाम नहीं आया NRC में तो रात ही रात उनको उठा के भेज देना पड़ेगा, ऐसी कोई सुविधा नहीं। अभी जो लोग डी वोटर में शामिल हैं जिनको जिनकी शहरियत छीन ली गई है तो उनके साथ क्या मामला हो रहा है? उनको हिंदुस्तान में जो सहूलियात है स्कूल बिजली पानी सब दी जा रही है, सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ये जब अभी कल जैसे है प्रॉब्लम क्या है उनके? कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, अगर कल उनका वोटिंग राइट सबसे पहली तो होती है तो उनका वोटिंग राइट खत्म, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इनको पासपोर्ट नहीं बनाने देंगे, उनको स्कूल के लिए स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे और NRC वगैरह जो कॉलेजों में जो सर्टिफिकेट PRC पहले था वो सब ये सारी चीजें सहूलतें जितनी है वो बंद कर देंगे। और वाजपेयी जी ने मुझे याद पड़ा आज जब वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि यहाँ के जो लोग बांग्लादेशी आ गए हैं इनको निकालने की जरूरत नहीं, इनको हम वर्क परमिट दे देंगे, वर्क परमिट 2-3 साल आप रहो काम करो, फिर जितने दिन के लिए आप अपने घर जाओगे तो वापस आके फिर काम करने लग जाना, परमिशन मिल जाएगा, कोई मसला ही नहीं रहेगा। लेकिन मसला ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक भी बांग्लादेशी नहीं है, जो भी बांग्लादेशी है गवर्नमेंट उसको पकड़े उसके साथ इंसाफ करे और वो बांग्लादेशी है तो उसके साथ, लेकिन ये आदमी ये जो 2 साल या 3 साल या 5 साल का लिमिट ये करेंगे वो जाएगा कहाँ? उसके बाप दादा परदादा उस जमाने में जब अनडिवाइडेड इंडिया था और गवर्नमेंट इंजीनियर खुद लेके आई थी उनको और काम में लगाया था खेतियों को जंगल को तबाह करके इन लोगों ने बर्बाद करके खेती के लायक बनाया, आज इन लोगों को बांग्लादेशी बना रहे। सीजन डी वोटर को बांग्लादेशी बनाने की एक वजह यह भी बताई जा रही है उनकी जो लैंग्वेज है उनका जो कल्चर है वो बांग्लादेशियों की तरह है, आसामियों से मिलता जुलता नहीं है। देखिये ये मैं समझता हूँ आज पूरी दुनिया में ये इस किस्म का इन्फ्लेशन का मसला चल रहा है, जो बॉर्डर के लोग होते हैं वो दोनों तरफ की जुबान जानते हैं, दोनों तरफ की जुबान बोलते हैं, दोनों तरफ की जुबान लिखते हैं। आसाम में कम से कम हम लोग बोलने में कोई आदमी कमजोर हो सकता है, अनपढ़ है इसलिए वो नहीं बोल पाता जो अपने बाप दादा की जुबान में बोलता है, लेकिन उस बाप दादा की जुबान में लाखों लोग आसाम में ही है जो इंडियन है और उस जुबान को बोलते हैं क्योंकि वो पहले से उनकी मदर लैंग्वेज है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो है जो लैंग्वेज का मामला है जो हम लोगों ने चैलेंज किया, मैंने खुद कई TV प्रोग्राम में चैलेंज किया, चर का इलाका हमारे यहाँ जहाँ पानी मार के चला जाता है
और 10-10, 20-20 किलोमीटर एक साथ में बात करना है, उनके घर झोपड़े वोपड़े सब बह जाते हैं। उपचार इसी तरीके से रातों रात नाव में अपना सामान लेके जहां भी हो सकता है दूसरी तरफ जहां सूखा हुआ है तो वहां जाके बना लेते हैं, उसमें बहुत सौ के कागजात जाहिर हो जाते हैं बहुत सौ। उस जमाने में ये जब इधर से उधर गए और हजार हजार घर इधर से उधर हो गए तो ये लोग दिल्ली से ऑफिसरों को लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं और देखिए कि इतने हजार बंदूक चीजें आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये पुराने होते तो इनके घरों के सामने झोपड़ा होता, झाड़ होता, नारियल का झाड़ होता जो आसाम में होता है, इस कदम के झाड़ होते हैं। आबादी के बाद में एक झाड़ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये अभी अभी दो दो तीन तीन दिन के अंदर आए। ये इन चीज को दलील बनाते हैं और दलील बनाकर सूट क्लियर करते थे ये बांग्लादेश। अच्छा आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि अभी आपके दरमियान और महर्षि मदनी साहब के दरमियान जो बातचीत मतलब वो बहस हो गई, आपने कहा उनका बयान आया, इस पर जो मानने वाले हैं जो उलमा का हलका है उनमें एक बहस छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है, वो उनके खिलाफ वो उनके खिलाफ, तो आप इन सब से मुश्तरका पैगाम क्या देना चाहेंगे, क्योंकि शेखुल इस्लाम के वो फर्जंद हैं, आपका भी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह से अकीदतमंदाना ताल्लुक है, जमीयत उलमा हिंद की जो दोस्त का जो दूसरा ग्रुप है उसके आप सदर भी हैं आसाम यूनिट के, तो ऐसे मुश्तरका तौर पर आप सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मोमिन की शान ये नहीं है कि जो सुने वो बयान करते हैं जी, उसको तहकीक करे, ये बल्कि मुनाफिक की शान है तो वो जो सुने कफा बिल भर एक अजीबा हदीस शरीफ में एक आदमी का झूठा होने के लिए काफी है कि वो जो सुने वो कह दे। तो आज मीडिया का जमाना है, कोई किसी के खिलाफ कुछ भी साजिश कर सकता है। मेरा बयान मैंने खुद वीडियो नोट कर दिया है, फेसबुक में कर दिया, उसके अंदर जो लोग मुझे यहाँ तक के देवबंद से कुछ लोगों ने मुझे फिरौन की औलाद तक लिख दिया, तो उनको अपने इस्लाम के ऊपर कुफर का ढेला है। अगर किसी को मारा जाता है हदीस शरीफ में, अगर वो काफिर नहीं है तो वाकई उनके ऊपर होता है, तो इतने अंदाज तक नहीं जाना चाहिए। मुझे अपने दारुलूम के शुरा के जो एक मेम्बरान हजरात ने मुझसे पूछा, मैंने उनका अपना बयान भेज दिया कि मैंने ये बयान दिया था, तो जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत है, इस तरीके से जो लिखाने की शुरू हुई हमारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं लिखा आज तक, बस हमने इतना कहा कि हजरत हमारे बड़े हैं, हजरत हमारे बड़ों की औलाद है, हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ने हमारे घर में आना जाना था, मेरे दादा उनके कोई इतने खलीफा होने वाले थे, हजरत का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद साहब हजरत मौलाना आसम नदवी साहब रहमतुल्लाह से बैत थे, फिर उसके बाद मैं हजरत से बैत हुआ और अलहमदुल्ला हजरत ने इजाजत भी दी, तो इतना ताल्लुक होने के बाद खुदा न खासा लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के गए मुर्दे उतार रहे, आपने इसका बदला लिया, आपने उसका बदला लिया, आपने उसका बदला लिया, एक भी किसी मामले में पहल अगर खुदा न खास्ता मेरी तरफ से दिखा दे तो जो सजा उन्हें दे सकते मिले, कोई ना कोई वाकया उन्होंने वहां गए उन्होंने किया और उसके रिएक्शन में हमें कुछ करना पड़ा, तो वो हालात अलग है, पॉलिटिकल मामला है, लेकिन उनका इज्जत और उनका एहतराम आज भी हमारे सराखों पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बड़े हैं, हमारे मसलक के बड़े हैं, हजरत रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है, इसलिए अगर खुदा न खास्ता गलती से भी किसी बात से हजरत को लोगों ने भड़काया हो और लोगों ने पहुंचाया, पहुंचा भी रहे होंगे, तो मैं आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से मैं खुद हजरत से माफी चाहता हूँ कि अगर आपके दिल तकलीफ पहुंची आप मुझसे बराह रास्त या किसी भी जरिए से आप वो मेरा बयान मंगा के देख ले, इंशाल्लाह आपका दिल साफ। आसाम में उनके खिलाफ 3 जगह एफआईआर दर्ज हो गई है, सीएम ने भी तनकीद की है, तो अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो आपका उस वक्त रद्दअमल क्या होगा? देखिए अभी इस मामले में तो हमारा रद्दअमल यही था, इन हालात में कम से कम ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे आज भी अगर मौलाना अरशद मदनी साहब के ऊपर आसाम में कोई भी कुछ एक उंगली भी अगर किसी को उठती है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तो उनके जमीयत के सदर और उनके जमीयत के वाइस प्रेसिडेंट, वो नहीं आए आज तक भी नहीं आए, हमने मैसेज दिया कि आप लोग आइए टीवी पे हजरत की तरफ से सफाई दीजिए, एक आदमी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई बात होती है तो अगर सबसे पहले सामने आने वाले होंगे हजरत की ताइद में और दूसरों की मुखालफत में तो इंशाल्लाह बदरुद्दीन नहीं बना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप सब लोगों का कुछ और कहना चाहेंगे आप सब लोग? सर की चोरी पर सारी बात सामने आई कि आसाम का मसला क्या है, किस बुनियाद पर आसाम के शहरियों को गैर मुल्की और बांग्लादेशी ठहराया गया, क्या बुनियादी वजह रही, और दरअसल वो सब के सब आसामी है, पॉलिटिकल इश्यूज है जो क्रिएट किया गया है,
और इसके लिए मां बदरुद्दीन अजमल ने साफ लफ्जों में कहा कांग्रेस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। 15 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, तरुण गोगोई वजीर आला रहे और उनके दौर में डी वोटर की तादाद 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ चुकी है और 48 लाख लोगों की शरीयत खतरे में है। खवातीन सबसे ज्यादा इसकी शिकार है और इस बात की और इस गुफ्तगू की जो सबसे खास बात निकल कर आई वो ये कि मां बदरुद्दीन अजमल सामने साफ लफ्जों में कहा कि मौलाना अरशद मदनी से हमारा वो सियासी अख्तलाफ बयान बकिया कोई अख्तलाफ नहीं है और अगर आसाम में उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, उनकी शख्सियत पर कोई जर पड़ती है तो मैदान में उनके हिमायत में आने वाला सबसे पहला शख्स बदरुद्दीन अजमल होगा। उनकी जमीयत का कोई आएगा या नहीं आएगा कोई पता नहीं। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने उनकी मुखालफत में बयान दिया है, लेकिन मां बदरुद्दीन अजमल का मानना है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट उनके सपोर्ट में होगी, उनके खिलाफ कोई इकदाम किया जाता है तो हम सबसे पहले मैदान में आएंगे। बहुत शुक्रिया मिलर टाइम्स के खास प्रोग्राम देखने के लिए।